नमस्कार, मैं हूं आचार्य आशुतोष। जीवन मंत्रा में आपका स्वागत है। आइए आज हम एक विशेष चर्चा करते हैं, सिर्फ एक आसन की। सिर्फ एक आसन का अभ्यास आप करें, जीवन में कभी भी आपको नहीं होगा कमर दर्द। क्या ऐसा संभव है? जी हाँ, बिल्कुल संभव है। सिर्फ आपको रोज दिन इसका अभ्यास 2 मिनट से लेकर 4 मिनट तक करना है, और यह सहज सी विधि है। इसके लिए आपको कोई योगा मैट बिछाने की भी जरूरत नहीं है, अपने बिस्तर पर लेट के आप कर सकते हैं इसका अभ्यास। सिर्फ एक ध्यान रखना जरूरी है कि पेट आपका खाली होना चाहिए, बिना फूड का। आपने लंच या डिनर यदि कम से कम 3 घंटे पहले लिया हो तो आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। रोज दिन आपको करना पड़ेगा इसका अभ्यास। यह पेट के बल इसके लिए आपको लेटना है। आप देखें, यह सहज सी विधि है। धीरे से पेट के बल लेट जाएं। एल्बो का स्टैंड बना लीजिए, दोनों एल्बो को कोहनियों को मिला लें धीरे से, और दोनों हथेली को अपने चिन पर, अपने ठुड्डी पर लगा लीजिए, और धीरे धीरे पीछे से दोनों पैर मिले हुए। अब एक एक पैर को पीछे से मोड़ना है, अपने एरी को अपने नितंब तक लाना है। धीरे से इस पैर को मोड़ करके ले आए, फिर दूसरा पैर नितंब तक जाए। बहुत ही सहज सी विधि है। इसका अभ्यास आपको रोज दिन 20-20 बार करना है। मकर आसन, यह मकर आसन करने के अभ्यास के साथ साथ आपको कमर का दर्द जीवन भर नहीं होगा, कभी भी स्लिप डिस्क नहीं होगा, साइटिका पेन नहीं होगा, कभी भी सर्वाइकल पेन नहीं होगा, मेरुदंड से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं आ सकती है। यदि आप पहले से ही प्रिवेंटिव के तौर पर, प्रिवेंशन के तौर पर आप इसका अभ्यास करते हैं, तो फिर धीरे धीरे आप दोनों पैर से इसे मोड़ करके धीरे से लाएं नितंब तक। सहज सी विधि है यह। 20-20 बार आपको करना है इसका अभ्यास रोज दिन। जब थक जाए तो थोड़ा सा विश्राम ले लें, दोनों हथेली को फैलाकर अपने ठुड्डी को टिका दें दोनों हथेली के ऊपर, अपने पीठ को रिलैक्स कर दें, और फिर धीरे से एक बार फिर से मैं बतला रहा हूँ इसकी विधि, आप देख लें। दोनों कोहनियों को मिला लीजिए और धीरे धीरे एक एक पैर को फोल्ड करें, मोड़ करके अपने एरी को नितंब तक लाना है। कमर दर्द का रामबाण इलाज है यह, और यदि नहीं है तो जीवन में कभी भी नहीं होगा आपको कमर का दर्द। धीरे से दोनों हथेली गर्दन के नीचे, कंधे के नीचे लगाएं और धीरे से उठ करके बैठ जाएं। यह था कमर का दर्द न हो इसका उपाय। यह एक सहज सी विधि है। जब आप इसका अभ्यास जब करते हैं रोज दिन, दैनिक जीवन में आप ले आते हैं, आप शामिल जब कर लेते हैं, तो योग का एक नियम है, आसन का एक नियम है, करते समय आपको अलर्ट रहना है, सजग रहना है। जब आप खिंचाव कर रहे हैं, जब दबाव डल रहा है, तो शरीर के जिन अंगों पर प्रभाव हो रहा है, खिंचाव हो रहा है, उसके प्रति आपको सजग रहना है। अपनी अवेयरनेस को उसी ऑर्गन पर रखें, पार्टिकुलर जिस ऑर्गन पर उसका दबाव पड़ रहा है, फिर आप उसके प्रभाव को देख सकते हैं और आजीवन आप रह सकते हैं कमर दर्द से मुक्त। आज के लिए बस इतना ही। जीवन मंत्रा चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि इसका ज्ञान और लोगों तक मिल सके, यह ज्ञान, यह सूत्र, यह मंत्रा और लोगों तक पहुंच सके। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।